हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन 3। ठीक है, जैसा कि हम एवरी सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, उसी के रिगार्डिंग आज हम ये सेशन लेके आए हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। अब जल्दी से आप लोग अपनी जो रफ नोटबुक है वो खोल लीजिए और हम जल्दी से अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं इसके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, कितना? एक मिनट। ठीक है, तो एक मिनट में कर लोगे तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, करिए। आंसर आपको बताना है। ठीक है, आंसर आपको जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें कर देना है। हाफ टाइम हो चुका है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के आधार पर हमें इसको करना है। टाइम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। ओके, टाइम्स अप। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, A क्रॉस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, देन P मल्टीप्लाई R माइनस S प्लस T मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, हम इसको यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है? P क्रॉस R। ठीक है, तो P और R के बीच में रिलेशन देखना है। जब A क्रॉस B होगा, जब A क्रॉस B है तो उसका मतलब क्या है? A इज वाइफ ऑफ B। तो यहाँ पर क्या होगा? P है वो क्या होगी? वाइफ होगी। किसकी? R की। समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ पर ए भी नहीं है, यहाँ पर क्या है? पी और आर है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें किस किस के बीच रिलेशन देखना है? अब देखना है यहाँ पर जैसे जैसे ये लिंक है उसी के आधार पर हमें देखना है। अब आर और एस के बीच में, इनके बीच में क्या साइन है? माइनस का है। और माइनस का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि जो आर है वो फादर है किसका? एस का। तो आर है वो फादर है किसका? एस का। हो गया। उसके बाद हमें किन किन के बीच में देखना है? उसके बाद हमें देखना है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब S और T के बीच में देखना पड़ेगा। यहाँ पर है S प्लस T, और प्लस का मतलब क्या है? A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि S है वो भाई है किसका? T का। तो S को हमने बना दिया भाई किसका? T का। अब T का जेंडर हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, इतना हमें दिया गया था। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है P इज द मदर ऑफ T। क्या P मदर है T की? बताओ। तो ये तो राइट है बिल्कुल, क्योंकि जब S भाई है T का और R पिता है S का, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो P क्या हुई? S की माता हुई। और S जब भाई है T का तो P T की भी क्या हुई? मदर हुई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला, T इज द सिस्टर ऑफ P। क्या T P की सिस्टर है? नहीं है, कैंसिल। आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। आर क्या ग्रैंड फादर है टी का? नहीं, ओनली फादर है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। टी एंड आर आर सिस्टर्स, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए फिर से मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करो।
ओके, टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। जब गैप कम होता है इनके बीच में, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राई करते हैं, डिफरेंस वाला पैटर्न। यहाँ पर हमने देखा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, अगर इन दोनों के बीच में हम देखना चाहें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर है 5 और 2 का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, या तो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 5 हुआ है। यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखते हैं, फिर से डिक्रीज हुआ, कितना हुआ है, 6, और यहाँ पर कितना है, 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर फिर से इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 6 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी एक पैटर्न है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। लेकिन इसमें एक और पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, देखो एक और पैटर्न कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 4 था, इनको छोड़ दो आप, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है बताओ, 5 का है। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, 6 का है, यानी कि यहाँ पर भी एक पैटर्न है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 68 आना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। ये वाला भी पैटर्न है, और जो पहले वाला पैटर्न था वो भी एक पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पर -25 था, उसके बाद -36 था, यानी कि ये स्क्वेयर है किसका, 5 का, ये स्क्वेयर है किसका, 6 का, और यहाँ पर 5 था, उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर स्क्वेयर आएगा किसका, 7 का, यानी कि 49, ठीक है। जब 49 हम 117 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक है, उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, समझ में आई बात। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ उस वाले से, अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तो। यहाँ पर कितना है डिफरेंस, 4 का है, यहाँ पर है -25 का, यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, फिर से इंक्रीज हुआ है कितना, 5, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है कितना, 36, यहाँ पर फिर से इंक्रीज हुआ है कितना, 6, तो यहाँ पर डिक्रीज कितना होगा, माइनस का 49, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, तो 7 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 7 का स्क्वेयर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, ये प्लस का 7 हो गया, समझ में आया, दोनों पैटर्न समझ में आए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए करिए। ये तो बिल्कुल आसान है ना, बताओ जल्दी से अपना आंसर बताओ। ठीक है, टाइम आपका हो चुका है। यहां पर क्या पैटर्न है, देखो यहाँ पर है 7, उसके बाद है 14, उसके बाद 42, 168 और 840, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और अचानक से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अचानक से इनका 7 से 14, 14 से 42, 42 से 168 और 840, यानी कि प्लस माइनस तो हम इसमें करेंगे नहीं, या तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है या फिर कोई स्क्वेयर क्यूब ऐड हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, जब हमने 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब 14 से बनाना है 42, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 42 आता है, ठीक है। अब 168 बनाना है किससे, 42 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, बन गया।
तो इसी तरीके से जब हमने 168 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 840 आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न है, ठीक है। अब पैटर्न क्या है, पहली बार 2 से, 3 से, 4 से, 5, लेकिन इस बार इस साइड से पूछा है हमसे, तो इस साइड जब पूछा है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी 1 से, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आना चाहिए, ठीक है। जब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया, 14 आ गया। पैटर्न समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल आसान था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये हमने 2 दिन पहले किया था ये वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न में, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, तो चलिए करिए। यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीन कलर्ड फेस इज एट टॉप, देन व्हाट विल बी द कलर एट बॉटम फेस। यानी कि हमें ग्रीन कलर के बिल्कुल अपोजिट बताना है कि कौन सा आएगा। पहले पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है। अब टाइम जैसे हो गया है तो अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। इन वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास दो केस होते हैं, दो पोजीशंस होती हैं ए की, क्यूब की या डाइस की, तो हम क्या करते हैं, उनमें जो कॉमन फेस है वो देखते हैं कि एक है या दो है। यहाँ पर कॉमन फेस क्या है, देखो यहाँ पर भी ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन है, ये वाला फेस कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब कॉमन फेस होता है एक, तो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ हमने लिख लिया ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन से आगे क्या आया, रेड आ गया, और रेड से आगे क्या आ गया, रेड से आगे आ गया येलो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया येलो। अब इस वाले में आ जाते हैं, यहाँ से जब ग्रीन से आगे चले क्लॉकवाइज तो क्या आया, पिंक आया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रीन, यहाँ पर पिंक आया, और पिंक से जब आगे चले तो क्या आया, ब्लैक आया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेड के अपोजिट क्या है, पिंक है, और येलो के अपोजिट क्या है, ब्लैक है। लेकिन इस कंडीशन में हम ग्रीन के अपोजिट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। अगर नंबर्स होते तब तो हम बता सकते थे कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमें पता होता था कि 6 तक यहाँ पर नंबरिंग होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनमें से कोई एक होगा बचा हुआ, लेकिन कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो, द पोजिशन ऑफ ए सिंगल क्यूब आर शोन बिलो, द 6 फेसिस ऑफ द क्यूब आर कलर्ड विद ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, पिंक एंड वाइट। यहाँ पर उसने सभी के सभी कलर यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम ग्रीन के अपोजिट बता सकते हैं। समझ में आई बात। यहाँ पर अगर ये 6 कलर हमें नहीं देता यहाँ पर, तो हम नहीं बता सकते थे कि ग्रीन के अपोजिट कलर कौन सा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 कलर हमें दे रखे हैं, तो जो बचा हुआ कलर है वो क्या होगा, वो होगा ग्रीन के अपोजिट। अब इनमें से कौन सा कलर बच गया था, इनमें से सिर्फ वाइट कलर बचा है। तो वाइट कहाँ पर आ गया, वाइट आ गया ग्रीन के अपोजिट। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब समझ में आया। यहां पर अगर नंबर होते इनकी जगह तो हम तो बता सकते थे, क्योंकि हमें पता होता है कि 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अब यहां पर 5वां है, अब जो बचा होगा वो इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कलर्स में हम नहीं बता सकते थे कि इसके अपोजिट कौन सा आएगा, क्योंकि कलर कोई भी हो सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसने पहले ही 6 कलर हमें दे दिए हैं, ठीक है। इसलिए हम बता पाए हैं कि जो ग्रीन है उसके अपोजिट कौन सा कलर आएगा, उसके अपोजिट वाइट कलर आएगा। अब समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है इन इक्वालिटी का क्वेश्चन, मैंने अभी तक हालांकि नहीं करवाया है लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ, आपको ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है ईशांत इज टालर देन संजय, अशोक इज टालर देन ईशांत, सचिन इज नॉट एज टालर एज अशोक बट टालर देन ईशांत, हु इज शॉर्टेस्ट इन हाइट, हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है हाइट में, ठीक है। तो चलिए करिए, सभी को ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर बाकी मैं आपको करवा दूंगा इसका। तो चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि इनको कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान है, ठीक है। यहाँ पर बोला है ईशांत इज टालर देन संजय, तो हम क्या कर देते हैं, जो जो बोला गया है वही करते हैं। ये ईशांत है, ये ईशांत है, ये टालर है किससे, संजय से। तो हमने कर दिया ईशांत टालर है किससे, संजय से। आगे बोला है अशोक इज टालर देन ईशांत, और अशोक है ना वो टालर है किससे, ईशांत से, ये हमने कर दिया। अब ये साइंस तो आपको पता होगा, ये जो साइन होते हैं ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है लेस देन, और ये होता है लेस देन इक्वल टू, और ये होता है इक्वल। इन साइंस का हम यूज़ करते हैं किस में, इन इक्वालिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जैसे उसने बोला है हमने वैसे वैसे किया है। सबसे पहले क्या बोला है, ईशांत है वो टालर है किससे, संजय से, तो हमने ये बड़ा कर दिया। अब अशोक है वो फिर से किससे टालर है, ईशांत से, ठीक है। आगे बोला है सचिन इज नॉट एज टालर एज अशोक, जो सचिन है वो अशोक जितना टालर नहीं है बट टालर देन ईशांत, परंतु वह ईशांत से टालर है, यानी कि ईशांत से टालर कौन है, सचिन है। देखो अब ये कैसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा, जो सचिन है वो अशोक जितना टालर तो नहीं है लेकिन ईशांत से बड़ा है, यानी कि इनमें बड़ा कौन रहेगा, अशोक रहेगा, अशोक के बाद कौन आ गया, सचिन आ गया, ठीक है, उसके बाद ईशांत आ गया, और उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आ गया संजय। ये समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल आसान था ये तो। जैसे जैसे बोला है हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है, जो बड़ा है उसको हमने बड़ा कर दिया, जो छोटा है उसको छोटा कर दिया। अब यहाँ पर ये सीरीज में बैठ गए हैं। अब हमसे पूछा है हु इज शॉर्टेस्ट इन हाइट, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि संजय क्या है, इनमें सबसे छोटा है, ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूं एक मिनट का टाइम, ठीक है, तो चलिए करिए। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बोला गया है। इफ बिटन इज कोडेड एज इज दिस, हाउ कैन बी कॉर्नर बी कोडेड, तो कॉर्नर को किससे कोड करेंगे। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, जो हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर हमें बताना है कि कॉर्नर के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है बी, यहाँ पर है डी, बी से क्या बना है, डी बना है, ई से बना है, एच बना है, ए से बना है ई, ठीक है। अब
यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको और आसान तरीके से करने के लिए हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। बी कितने पे है, दो पे है, ई है पाँच पे, ए है एक पे, टी है बीस पे, ई है पाँच पे और एन है 14 पे, ठीक है। ये हमने इनको नंबरिंग दे दी। यहाँ पर डी कितने पे है, फोर पे, एच है एट पे, ई है फाइव पे, वाई है 25, के है 11 पे और यू है 21 पे, ठीक है। अब देखो दो से क्या बना है, चार, ठीक है। तो टू में इसने क्या ऐड किया है, प्लस टू ऐड किया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी नंबरिंग दे लेते हैं। सी कितने पे है, तीन पे है, ओ है 15 पे, आर कितने पे है, 18 पे, एन है 14 पे, ई है 5 पे और आर कितने पे है, 18 पे। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, टू से फोर बना है, यानी कि टू में टू ऐड कर दिया है। तो थ्री में हम क्या कर देंगे, थ्री में हम टू ऐड कर देंगे, तो फाइव, फाइव पे क्या आता है, ई आता है, ये हमने लिख लिया। अब देखो फाइव से क्या बना है, एट बना है। फाइव में कितना ऐड किया है, थ्री ऐड किया है, तो यहाँ पर 15 है, 15 में हम ऐड कर देंगे थ्री, कितना आ जाएगा, 18, 18 पर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब है वन, यानी कि ए, ए से बना है ई, वन से फाइव, कितना ऐड किया है, फोर ऐड किया है वन में, ठीक है। तो यहाँ पर 18 में हम फोर ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 22, 22 किस पे होता है, वी पे, वी आ गया यहाँ पर। इस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक है। अब 20 से यहाँ पर 25, यहाँ पर ऐड कर दिया है 5, ठीक है, यानी कि हर बार एक एक बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। हमारे पास है 14, 14 में हमने जब 5 ऐड किया तो कितना आया, 19, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, एस आ गया, 19 पर कौन होता है, एस होता है। अब यहाँ पर है 5, 5 से गया है 11, यानी कि 6 ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से ऐड कर देंगे, क्या है 5, 5 में ऐड करेंगे 6, कितना आएगा, 11, तो 11 पर क्या होता है, K होता है। अब 18 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो 14 है, 14 में ऐड किया है 7, ठीक है, और 18 में हमें ऐड करना पड़ेगा 7, तो 18 और 7 कितना हो गया, 25, 25 पे क्या होता है, Y होता है, तो ये आ गया Y। अब देख लो ये कौन से पे है, ये है ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो था हमने नंबरिंग करके दी थी, बाकी आप वैसे भी देख सकते थे कि बी और डी के बीच में क्या मिस है, सी मिस है, ठीक है। अगली बार क्या है, ई और एच के बीच में एफ और जी मिस है, इस तरीके से आप देख सकते थे, ठीक है। लेकिन जब आप नंबरिंग दे लेते हो तो आप आसानी से इसको कर पाते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स है, काफ़ी है। चलिए बताइए, यहाँ पर पूछा गया है, What do you wash your hand with? आप अपने हाथ किसके साथ धोओगे, किससे धोओगे? बिल्कुल आसान है ये तो। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ रेन्स इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाटर, एंड वाटर इज कॉल्ड ब्रिज, एंड ब्रिज इज कॉल्ड मून। रेन्स, ठीक है, रेन्स को क्या बोला जाता है, पिंक बोला जाता है, पिंक को बोला जाता है क्लाउड, और क्लाउड को बोला जाता है वाटर, ठीक है, और वाटर को क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है, और ब्रिज को बोला जाता है मून। तो ये पूछ रहा है कि आप अपने हाथ किससे धोओगे, तो हम हाथ किससे धोते हैं, वाटर से धोते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर को क्या बोला गया है, हम ये देखना है, वाटर को यहाँ पर बोला गया है ब्रिज, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रिज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर। इसने बोला है कि आप अपने हाथ किससे धोओगे, तो हम हाथ किससे धोते हैं, वाटर से धोते हैं, और वाटर को यहाँ पर बोला गया है ब्रिज, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि जयपुर, सॉरी कुछ भी कलर ले लो, जैसे पिंक के लिए कुछ भी बोल सकता था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता, पिंक को क्या बोला जाता है, क्लाउड, तो वहाँ पर आ जाता क्लाउड, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट का टाइम, ठीक है, एक मिनट का टाइम मैंने आपको दिया, तो चलिए करिए। यहाँ पर पूछा है कि येलो के अपोजिट क्या होगा,
ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हमने किए हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, देखते ही आप आंसर कर पाओगे। बाकी फिर भी मैंने आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया है। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि येलो के अपोजिट कौन सा कलर होगा। क्या वो बोला है, ए डाइस गिवन बिलो फाइंड द कलर ऑफ फेस अपोजिट येलो। ठीक है, एक डाइस है जिसकी 4 पोजीशंस हमें दी गई है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी रेंडमली जो 2 पोजीशंस है उनको देख लेते हैं, ठीक है, जिनमें एक कॉमन हो। मान लो हम कॉमन ले लेते हैं ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को हम देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ब्लू, ठीक है, ब्लू यहां पर है, ब्लू यहां पर है, इन दोनों के अलावा कुछ और है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लो यहां से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, यहां पर हमने लिखा ब्लू, ब्लू के आगे क्या आया, इंडिगो, ठीक है, और इंडिगो के आगे जब हम क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, ग्रीन आया, ये लिख लिया। उसके बाद जो अगली पोजीशन है उसमें चलते हैं, ब्लू यहाँ पर है तो ब्लू को मैंने ब्लू के नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर फिर से क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर क्या आ गया, येलो आ गया, और यहाँ से आगे चले तो क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। इसका मतलब है हमसे पूछा किसका गया था, येलो का, तो येलो का किसके अपोजिट है, इंडिगो के, ठीक है, और ग्रीन किसके अपोजिट है, रेड के है। ब्लू किसके अपोजिट होगा, ब्लू, ब्लू हम इसमें से बता सकते हैं कि कोई एक कलर बचा है, कौन सा, पिंक, ठीक है, पिंक यहाँ पर है, देखो इसकी 4 पोजीशन है, हमें सभी कलर यहाँ पर पता है, 6 के 6 कलर इसने अलग अलग पोजीशंस के साथ हमें दिखा दिए हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते थे अगर हमसे पूछ लिया जाता कि ब्लू के अपोजिट क्या होगा, तो ब्लू के अपोजिट हम बता सकते थे कि कौन सा आएगा, पिंक आएगा, सिर्फ एक कलर बचा है, कौन सा, पिंक, तो वो किसके अपोजिट होगा, ब्लू के। बाकी इंडिगो के अपोजिट क्या है, येलो है, और ग्रीन के अपोजिट है रेड, ठीक है। तो हमसे पूछा था येलो के अपोजिट, तो येलो के अपोजिट कौन सा है, इंडिगो, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, आसान था। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, ठीक है, तो चलिए करिए। हमें बताना होगा कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें ए इज डॉटर ऑफ बी कौन सा राइट होगा, ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है इफ पी प्लस क्यू मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी भाग क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, एंड पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज सन ऑफ क्यू, देन विच मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। मान लो हमें ऑप्शन फर्स्ट चेक करना है कि ये सही है या रॉन्ग है। अब सबसे पहले दिया है ए प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है, P इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो A क्या हो गया, A हो गया हस्बैंड किसका, D का, ठीक है। अब D क्रॉस B है, क्रॉस का क्या है, P क्रॉस Q मीन्स है P इज सन ऑफ क्यू, तो यानी कि D इज सन ऑफ, सॉरी D इज सन ऑफ क्या, B, यही है, क्या है यहां पर, देखो
पी क्रॉस क्यू का मतलब है पी इज सन ऑफ क्यू, ठीक है। अब यहां पर है डी क्रॉस बी, यानी कि डी इज सन ऑफ क्या, बी, तो ये वाला क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि डी सन तो वैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा कैंसिल। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, यहां पर है डी क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब क्या है, पी इज सन ऑफ क्यू, यानी कि डी है वो सन है किसका, बी का, ठीक है। अब बी और डिवाइड ए, बी और डिवाइड ए, पी डिवाइड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, जो बी है वो सिस्टर है किसकी, ए की, तो बी हो गई वो सिस्टर किसकी, ए की। क्या ए डॉटर है बी की, नहीं है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अगला चेक कर लेते हैं, अगला क्या है, बी प्लस सी क्रॉस ए, बी प्लस सी यानी कि प्लस का मतलब क्या है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो बी है वो हस्बैंड है किसका, सी का, ठीक है। आगे क्या है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पी इज सन ऑफ क्यू, ठीक है, तो सी इज सन ऑफ किसका, ए का। ये वाला वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं, ए डिवाइड डी, पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, यहां पर है ए सिस्टर किसकी, डी की, ठीक है। अब डी क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब क्या है, पी इज सन ऑफ क्यू, यानी कि डी है वो सन है किसका, बी का। अब पूछा है ए इज डॉटर ऑफ बी, क्या ए बी की डॉटर है, बिल्कुल है, ठीक है। जब डी बी का बेटा है और डी ए का भाई है, तो ए बी की क्या हुई, बेटी हुई, सॉरी, बी ए की क्या हुई, या तो माँ या पिता, ठीक है, यानी कि ए है वो बेटी हो गई किसकी, बी की, ठीक है। यही हमसे पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप लोगों को बस चेक करना होता है कि इनमें से राइट कौन सा है, ठीक है, जो राइट नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, अगले की तरफ चलो, इस तरीके से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट का टाइम, बिल्कुल आसान है, आपको बस रूल ध्यान रखने हैं, कौन से, बोर्ड मास वाले, बोर्ड मास, वैसे तो ये होता है वी बोर्ड मास फुल, ठीक है। इसके रूल अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से कर लोगे, चलिए करिए। चलिए, टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये कितने हो गए, 24 हो गए, ये हो गए 24। अब ब्रैकेट है, बाहर है 6, ठीक है, ये नीचे है डिवाइड में। अब डिवाइड में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ये वाला फॉर्मूला जो है बोर्ड मास वाला, वो अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको हम करते हैं, बी, यानी कि ब्रैकेट को, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, ठीक है, जहाँ पर ऑफ लिखा होता है, ठीक है, यानी कि हिंदी में का लिखा हुआ होता है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर वाले में तो हमने ब्रैकेट को कर लिया, ब्रैकेट में हमने जो था उनको सोल्व कर लिया, उसके बाद जो बाहर है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, जब फोर को हम डिवाइड करेंगे फोर से, कितना आएगा, वन आएगा, और यहाँ पर है प्लस का, फोर प्लस फोर प्लस फोर, और यहाँ पर क्या है, वन आ गया, यानी कि 12 और एक 13, ठीक है। अब 24 है, उसकी डिवाइड में है 6, कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, तो 4/13, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है, ये तो आप वैसे ही कर लोगे, आपको आता होगा।
आगे देखते हैं, ये वाला फिर से मैथ का क्वेश्चन है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, ये इसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए है, बाकी इसको आप लोगों को करना है सोल्व, ठीक है। इसके लिए फिर से मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गलत नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से करना है और आंसर बताना है। बताइए, चलिए, बस आपको जो बोर्ड मास रूल है उसको ध्यान में रखना है। चलिए, टाइम आपका हो गया है, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर है 1001 डिवाइड है 11, यहाँ पर है ऑफ 13 मल्टीप्लाई 3। अब ये बताओ, इस तरीके से किस किस ने किया है, इस तरीके से किस किस ने किया है बताओ। जिसने भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है वो क्या है, वो रॉन्ग है, ठीक है। जिसने भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। राइट क्या होगा वो मैं बताता हूँ, हम बार बार बोल रहे हैं बोर्ड मास रूल, इसका हमें ध्यान क्या रखना होता है। देखो, सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद यूज जो करते हैं सोल्व, ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफ है, बी का मतलब है ब्रैकेट, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, एस का सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे ये बताओ, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है, तो उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को, यानी कि इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 11 ऑफ 13। अब ऑफ को जब हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफ को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर था 1001 डिवाइड बाय, अब ये डिवाइड है तो नीचे आ गया, ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा नीचे आएगा ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरा सोल्व किया है, अभी ऑफ हटाया है तो ये आ गया यहाँ पर, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3। अब समझ में आई बात, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, गलत नहीं कर देना है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 11 से जब कैंसिल करेंगे 9 पे गया और 1 पे गया, ठीक है, 13 से ये 7 पे चला गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 21, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, इसका राइट आंसर है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आपने, हो सकता है मैंने बताया था पहली तरीके से, उस तरीके से कर दिया हो, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिलोक का क्वेश्चन है, इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट का टाइम, तो चलिए करिए। चलिए, टाइम आपका हो गया है, ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, ठीक है, सभी टाइगर क्या है, जंगल है, ठीक है, ये हमने जंगल बना दिया। अब बोला है नो जंगल्स आर बर्ड्स, कोई भी जंगल क्या नहीं है, कोई भी जंगल बर्ड्स नहीं है, तो ये बर्ड्स हो गए। अब बोला है सम बर्ड्स आर रेन्स, कुछ बर्ड्स क्या है, रेन्स हैं, तो ये हमने बना दिए रेन्स, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कंक्लूजन्स क्या क्या है, पहला कंक्लूजन है नो रेन इज जंगल, क्या कोई भी रेन जंगल नहीं है, बताओ। यहां पर जंगल और रेन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब जंगल और रेन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जंगल और रेन के बीच में एग्जैक्टली यानी कि डेफिनेट कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सम रेन्स आर जंगल, क्या कुछ रेन्स जंगल है, अब भी हम नहीं बता सकते, डेफिनेट हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन हमने आइदर और वाला जो केस है वो किया था, उसमें क्या था, इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो कंक्लूजन्स हैं उनमें एक तो सही होना चाहिए, इसने बोला है पहले में नो रेंज इज जंगल, कोई भी रेन जंगल नहीं है, दूसरे में बोल दिया कुछ रेन जंगल है, अब कोई ना कोई बात तो सत्य होगी, कोई ना कोई तो ट्रू होगी, ठीक है, या तो कुछ जंगल रेन होंगे या कोई भी जंगल रेन नहीं होगा, ठीक है, इनमें से एक तो ट्रू है, इसलिए हम क्या कर देंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या फिर दूसरा वाला सही है, ठीक है। अब तीसरा कंक्लूजन देख लेते हैं, तीसरा कंक्लूजन है नो बर्ड्स इज टाइगर, कोई भी बर्ड टाइगर नहीं है, तो क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी टाइगर्स किसके अंदर आ रहे हैं, जंगल के अंदर आ रहे हैं, और ये बोला गया है कोई भी जंगल बर्ड नहीं है, तो कोई भी टाइगर बर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन थ्री, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, थर्ड भी फॉलो कर रहा है और इन दोनों में से आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे, ये हमने अच्छे से किए थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, इनको आपको पैटर्न समझना है यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट का टाइम, तो चलिए यहाँ पर बताइए क्या आएगा, जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर, चलिए टाइम्स अप, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 36, अब यहाँ पर है 9, 45, 81, ठीक है, 7, यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है और यहाँ पर है 49, अब हमें इनसे कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे ये आपस में रिलेट हो। अब या तो हम क्या करते हैं, इस साइड चेक करते हैं इस तरीके से, या फिर हम करते हैं इस तरीके से, ठीक है, अब हम कोई पैटर्न यहाँ पर पकड़ते हैं, मान लो हम इस तरीके से चेक करते हैं, यहाँ पर है 6, 21 और 36, इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है, देखो अगर जो सेकंड वाला है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कितना आ गया 42 आ गया, और इसमें पहले वाला घटा दें तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। अब यही पैटर्न आगे देखते हैं, जो सेकंड वाला है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आ गया 90 आ गया, और उसको पहले वाले से घटा देते हैं तो ये आ गया, ये भी सही है, यानी कि पैटर्न सही है हमारा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए,
यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका जब हम डबल करेंगे और उसमें से 7 हम माइनस करेंगे तो 49 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो x है, ठीक है, निकालते कैसे है, मान लो x है। अब x का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2 के साथ, माइनस 7 किया तो कितना आना चाहिए था, 49। तो 2x किसके बराबर आ गया, ये आ गया 56 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 28, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट ऑप्शन भी उठा सकते थे, 28 जैसे हमने उठाया, 28 का दुगना कितना किया, 56, 56 से जब हमने 7 को माइनस किया तो कितना आ गया, 49 आ गया, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बाकी आपको नहीं निकालना आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आ गया समझ में, आसान था। बस इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको लॉजिक पकड़ना होता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। काफ़ी बार ये इस साइड से बनता है, काफ़ी बार ये इस साइड से बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से स्लोप का क्वेश्चन आ गया है। इसके लिए मैं फिर से आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सभी को सही करना है। चलिए बताइए क्या आएगा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर कुछ कंक्लूजन्स हैं, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है, बताओ। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, ठीक है, सभी फ्लावर्स क्या हैं, सभी फ्लावर्स टॉयज हैं, तो ये हमने टॉयज बना दिए। आगे बोला है सम टॉयज आर ट्रीज, कुछ टॉयज क्या हैं, यहाँ पर टॉयज लिख लेते हैं क्योंकि टॉयज और ट्रीज सेम सेम है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने टॉयज लिख दिया है। अब बोला है सम टॉयज आर ट्रीज, कुछ टॉयज क्या हैं, कुछ टॉयज ट्रीज हैं, ठीक है। अब बोला है सम एंगल्स आर ट्रीज, कुछ एंगल्स क्या हैं, कुछ एंगल्स ट्रीज हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। पहला कंक्लूजन है सम एंगल्स आर ट्वाइज, बताओ एंगल्स कहां पर है, एंगल्स हैं यहां पर और ट्वाइज हैं यहां पर, क्या कुछ एंगल ट्वाइज हैं, बताओ। नहीं, हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ट्वाइस और एंगल्स के बारे में हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो हम डेफिनेटली नहीं बता पाते कि कोई ट्वाइस एंगल है या नहीं है, ठीक है, डेफिनेट हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज क्या हैं, फ्लावर्स हैं, क्या कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं, नहीं है। यहाँ पर भी हमें फ्लावर और ट्रीज के बारे में डेफिनेट कुछ भी नहीं पता, जब तक हमें डेफिनेट नहीं पता तो हम उनके बारे में डेफिनेटली कैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिलेशन फ्लावर और ट्रीज के बारे में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और जो थर्ड कंक्लूजन है वो है सम फ्लावर्स आर एंगल्स, फ्लावर्स कहाँ पर है, फ्लावर्स हैं यहाँ पर और एंगल्स हैं यहाँ पर, क्या फ्लावर और एंगल्स के बीच में कोई भी रिलेशन है, क्या फ्लावर्स और एंगल्स के बीच में कोई भी रिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है। जब हमारे पास कोई रिलेशन है ही नहीं तो डेफिनेट हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी कंक्लूजन्स क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकुलेट्स कैन बी यूज एज मैनी टाइम्स एज वन वांट्स टू यूज, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ पर एक हमें वर्ड दिया गया है, इसके आधार पर हमें बताना है इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल,
क्या हम इनमें से पिक करके कुछ लेटर्स को आर्टिकल बना सकते हैं? देखो ए आर टी आई, ए आर टी आई यहाँ पर तक है, सी भी है, ठीक है, एल ई कहाँ पर है, एल यहाँ पर हो गया और ई यहाँ पर हो गया, यानी कि वन तो बन सकता है। सेकंड देख लेते हैं, ई एल ई सी टी आर आई सी, अब यहाँ पर केवल एक ई है, यहाँ पर ई एक है, कोई भी दूसरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो बार ई को यूज़ किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यही हमें बताना था कि कौन सा नहीं बन सकता, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन टू, यानी कि जो इलेक्ट्रिक है वो इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको बताना है, फ्रूट बनाना मैमल, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, इसके लिए मैंने दिए हैं आपको 10 सेकेंड्स, बताओ, मैंने इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिए हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए टाइम आपका हो गया है। इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, ठीक है, ये आपके आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब काफ़ी बार क्या होता है कि जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं पता कि मैमल कौन सा है इनमें से, तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है फ्रूट है, यहाँ पर है बनाना, और यहाँ पर क्या है, मैमल है। जो फ्रूट है वो किस तरीके से रिलेटेड है बनाना से, बताओ, जो बनाना है वो किस में आती है, फ्रूट में आती है, ठीक है, जो बनाना है वो किस में आती है, फ्रूट में आती है, तो यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा आएगा जो किस में आता होगा, मैमल्स में आता होगा, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन, जहाँ पर सेम यहाँ पर जैसा रिलेशन होगा, सेम वहाँ पर भी वैसा ही रिलेशन होगा, यहाँ पर भी सेम रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फ्रूट हैं और यहाँ पर है बनाना, तो सभी बनानाज किस में आते हैं, फ्रूट में आते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए कौन सा। अब देखो जो व्हेल है, व्हेल ये क्या है, एक मैमल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेल आ जाएगा इसका आंसर, व्हेल क्या है, मैमल है, ठीक है, समझ में आई बात। और बाकी स्नैक्स, पैरो और शार्क, ये कोई भी मैमल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि व्हेल, ठीक है, आ गई बात समझ में, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, देखो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है और यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस यहां पर चेंज है। अब दोनों के आंसर आपको बताने हैं कि पहले वाले में आंसर क्या होगा और दूसरे वाले में आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं एक मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम मैंने आपको दिया, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो चलिए करिए। जो मैंने क्लास में बताया था कि हम ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी बार डिपेंड होते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, हमें कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, वही बिल्कुल सेम यहाँ पर है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो पहले वाले में कुछ अलग तरीका लगेगा, दूसरे वाले में कुछ अलग तरीका लगेगा, आपको वही ढूंढना है कि कौन से में कौन सा तरीका लगेगा, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन के आधार पर है, ठीक है। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद है 24, अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है, ठीक है, आप वो मत करने लग जाना यहाँ पर कि ये मैथ का है, यहाँ पर कर दिया 3/24 बराबर 5/x, ऐसे नहीं निकालना होता इनको, ठीक है, ये रीजनिंग है, ठीक है, ये रीजनिंग है, यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना होगा कि यहाँ पर क्या है, और सेम रिलेशन यहाँ पर हमें करना होगा, ठीक है। अब देखो एक तो हो सकता है कि 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया हो 8 से, ठीक है, तब 24 आ गया, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं 40, तो हम कैसे करेंगे बताओ, नहीं कर सकते। यानी कि हमें यहाँ पर दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर और क्या हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो हमने यहाँ पर कर दिया 3 का क्यूब, कितना आ गया 27, और उसी संख्या से 3 को घटा दिया, जहाँ पर यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर घटा दी, तो कितना आ गया 24 आ गया। यानी कि ये पैटर्न भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 5 का क्यूब और सेम संख्या यहाँ से घटा देंगे। तो 5 का क्यूब कितना हुआ 120, और उसमें से हमने क्या घटा दिया 5 घटा दी, सॉरी 125, और 125 से जब 5 हमने माइनस किया तो कितना आया 120। यानी कि 120 है ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला तरीका लगा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यही क्वेश्चन नीचे आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 120 है ही नहीं, तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, 40 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, तो और कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम करते हैं 3 का क्यूब माइनस 3, कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस का 3, यहाँ पर 3 किया है तो यहाँ पर भी हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 122, यानी कि 122 है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या आ गया यहाँ पर आ गया राइट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इसने जनरली 3 से माइनस किया है, 3 माइनस किया है, हमें नहीं पता ये कुछ भी माइनस कर सकता था। अब हम नहीं कह सकते कि ये पहले वाला ही माइनस किया है। ठीक है, पहले वाला तो उसमें किया था कि जो सेम संख्या है जिसका हमने क्यूब किया है वही उसमें से घटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसने जनरल तरीके से 3 को घटाया है, यानी कि इसमें अगर 3 घटा है तो इसमें भी 3 घटेगा। ठीक है, वो वाला यहाँ पर लागू हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 122। अब समझ में आया इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ऑप्शंस के आधार पर डील करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर से मिसिंग सीरीज का आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए मैं फिर से आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ओनली 30 सेकेंड्स में दे रहा हूँ आपको, चलिए करिए। यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, 2 मिसिंग टर्म्स हैं जो आपको बतानी है। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, हमने एक पैटर्न किया था, कौन सा हमने किया था, अल्टरनेटिव वाला। ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज, यहाँ पर अल्टरनेटिव लग रहा है क्या, यहाँ पर 200 है, 205, उसके बाद 215, उसके बाद 235, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना बढ़ा 5, उसके बाद 10, यहाँ पर 20, यानी कि हर बार दुगना हो रहा है, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना कितना आ जाएगा 40, तो 200 जो यहाँ पर 235 है उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 40, कितना आ जाएगा 275। ठीक है, पहली वाली आ गई, अब दूसरी वाली देख लेते हैं, दूसरी वाली में क्या है 200 195 185 165, यहाँ पर क्या हुआ है -5, यहाँ पर हुआ है -10, यहाँ पर हुआ है -20। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी डबल हो रहा है, जस्ट 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, तो 20 का दुगना कितना 40, तो 40 उसमें से माइनस हो जाएगा, किसमें से 165 में से। जब 165 में से 40 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125, तो यहाँ पर आ गया 125, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है 275 और 125, ये दोनों मिसिंग टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे, आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर कौन सा है, कोडिंग डीकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उनके आधार पर हमें बताना है क्या संडोर के लिए क्या वर्ड यूज होगा संडोर के लिए। ठीक है, तो करो, इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ठीक है, काफी है 2 मिनट्स, करो।
चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट हुई है अभी, तो 1 मिनट और ले लो आप, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं। सिर्फ 15 सेकंड्स बची हैं आपके पास। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सेंडोर के लिए वर्ड क्या होगा, क्या बोला गया है, एवियन बाल्कन सेंडोर विच वाज ट्रांसलेटेड टू सीरियस स्पेसिफिक फ्यूम्स, ठीक है, जो सेकंड है, म्यांमार पलगार एवियन विच वाज ट्रांसलेटेड टू सीरियस एटमोस्फियर पार्टिकल्स, ठीक है, इस तरीके से इसने कुछ कोड दिए गए हैं इन वर्ड्स के लिए, यहाँ पर कोड किया गया है, हमें वो कोड पहचानने हैं और हमें बताना है कि सेंडोर के लिए वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। जो पहले वाला है, पहला पहली स्टेटमेंट है, जो पहली लाइन है, उसमें देखो एवियन बाल्कन सेंडोर, अब इन दोनों में क्या कॉमन है देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन है, कौन सा, एवियन, यहाँ पर भी एवियन है, ठीक है, यानी कि इनका जो वर्ड होगा, कोड होगा, वो भी सेम होगा। अब इनमें क्या सेम है देख लेते हैं, सीरियस स्पेसिफिक फ्यूम्स, यहाँ पर क्या है, सीरियस एटमोस्फियर पार्टिकल्स, जो सीरियस है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं एवियन के लिए क्या होगा, एवियन के लिए होगा सीरियस, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं, इन दोनों में क्या है, मेयर पालगर एवियन, यहाँ पर क्या है, बाल्कन डॉक्टर्स विवेंड, ठीक है, ये कुछ बोला नहीं जा रहा है क्या क्या है ये, लेकिन इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका पहले के साथ देख लेते हैं, यहाँ पर एवियन है, बाल्कन है और सेंडोर है, तो बाल्कन यहाँ पर कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, सिर्फ बाल्कन कॉमन है, तो जो बाल्कन है उसका जो वर्ड है वो सेम मिलेगा, तो इनका वर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर सीरियस स्पेसिफिक फ्यूम्स है, यहाँ पर क्या है, डेंजरस लिक्विड फ्यूम्स, ठीक है, तो बाल्कन के लिए क्या हो गया, फ्यूम्स, क्योंकि फ्यूम्स यहाँ पर कॉमन है, फ्यूम्स आ गया। हमसे किसका पूछा था, सेंडोर के लिए पूछा था, अब सेंडोर के लिए सिर्फ एक बचा है, कौन सा, स्पेसिफिक, तो सेंडोर के लिए हम कह सकते हैं कि कौन सा होगा, स्पेसशिप होगा, ठीक है, क्योंकि एवियन के लिए हमने पहले निकाल दिया था और बॉल्कन के लिए भी हमने निकाल दिया था, सिर्फ सेंडोर के लिए बचा था, तो सेंडोर के लिए क्या हो गया, स्पेसशिप, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग वाला, इसके लिए मैं फिर से आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, चलिए करिए। चलिए टाइम आपका हो गया है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पर बना है, यहाँ पर है 111, 129, 183, 345, 831, ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ कम बढ़ा है,
लेकिन आगे जाके कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब हमने डिफरेंस देखा तो कितना है, 18 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ है 4 और 5, ठीक है 54 का। यहाँ पर कितना है, 2 और कितना हो गया 62 और 1, ठीक है 162 का हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर है 6 और 8 और कितना हो गया 4, ठीक है ये हो गया। यहाँ पर डिफरेंस तो पहले कम था, उसके बाद बढ़ा है, फिर उसके बाद अचानक बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न है। यहाँ पर एक पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर है 54। अगर 18 से हमें 54 बनाना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 54 बन सकता है। अगर 54 से हम 162 बनाना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, यानी कि फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा। जब 162 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 486, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, हर बार 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इसको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 18 24 और 1 25, 12 और 2 14, ठीक है। 486 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1458। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, 9 8 2 और 2, 2 2 8 9 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी होगी, 2 2 8 9, यानी कि ऑप्शन 4 क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको पैटर्न समझना था, एक पैटर्न आपको पकड़ना था, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान था। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।